हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं इस वीडियो को इसीलिए पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक इंट्यूशन आ रहा था कि कौन से चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। ये छोटू सा वीडियो होगा, एंड तक देखिएगा। इस वीडियो का एक ही मकसद है, आप लोगों को अवेयर करवाना ताकि कि कौन से पॉसिबिलिटीज आपके लिए वेट करे। थैंक यू सो मच। मैं रिसेंटली आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था एंड उनमें से किसी दो तीन कमेंट्स ऐसा था जो यू नो इट टच माई हार्ट। आई रिप्लाइड इट ऑल्सो। दरअसल मैं कमेंट पे उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ, बट यू नो आप में से जो लोग कमेंट किए हो और जितना शिद्दत से आप लोग कमेंट करते हो, मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ बट डेफिनेटली पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी। आप लोग मेरे को अपना फैमिली मेंबर्स की जैसे देखते हो और यही चीज मेरे को अच्छा लगता है। आई डोंट वांट टू बी योर टेररिस्ट, आई जस्ट वांट टू बी योर फैमिली। सो चलिए देख लेते हैं, ये अनकंडीशनल सपोर्ट है और इसीलिए मैंने प्राइवेट टैरो रीडिंग करना बंद कर दिया हूं ताकि मैं सब लोगों को मदद कर सकूं विद अ सिंगल वीडियो। एंड कलेक्टिव रीडिंग इसीलिए करता हूं क्योंकि आपके अंदर जो भी एनर्जी है मेरे अंदर भी सेम ही एनर्जी है। मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूं। यस, माता के जो मैसेजेस है वही मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आप लोगों के लाइफ में क्या आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओम क्रीम दक्षिणा काले के नमो। कलेक्टिव है, जो जो चीज रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। एंड चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, आप मेरे यूनिवर्स के अंदर हो, आप माता के या बेटे हो या फिर बेटी हो, सो कोई रिलीजन नहीं है सोल का। चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, पहला आ गया है फोर ऑफ कप्स, ब्रेकअप खत्म, सैडनेस खत्म, कुछ नए अपॉर्चुनिटी। मैं देख सकता हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं 4 महीना 10 महीने के बाद, लव अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। यू नो आप बैठे थे, रो रहे थे, स्टक थे, तो मैं देख सकता हूं कि कई पास्ट रिलेशनशिप से फाइनली छुटकारा मिल रहा है, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है। फोर ऑफ कप्स मतलब आपको यूनिवर्स बहुत ज्यादा टेस्टली है और अभी आपको ओवरकम करना है। सो आई थिंक आप लोग ओवरकम कर रहे हो। हो सकता है किसी का डेथ हुआ है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो आप माने थे यू नो वो 2023 पे ही टूट गया था एंड फाइनली आप वहां से बाहर आ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द ओल्ड चैप्टर टू अ न्यू चैप्टर। यू आर फाइनली गेटिंग समथिंग अमेजिंग, यू आर फाइनली गेटिंग समथिंग मीनिंगफुल, यू आर फाइनली गेटिंग समथिंग सुपर। सो यू नो भले आप बहुत सैड फेस किए हो, बहुत सैडनेस फेस किए हो, बहुत सैड थे, बट अभी आपके लाइफ में जो पहला चीज आएगा वो है खुशियाँ, वो है अंदर के जॉय, यू नो इनर जॉय, इनर हैप्पीनेस। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड हो गए थे, डिमोटिवेटेड हो गए थे, या फिर यू नो लाइफ बोरिंग हो गया था, सो उस बोरिंग जिंदगी से आप बाहर आ रहे हो, कोई नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जो आप स्टार्ट करने वाले हो, या फिर बहुत दिन से जो चीज आप करने वाले थे नहीं कर पा रहे थे, फिलहाल आपका पैसे का इंतजाम हो रहा है, या फिर सपोर्ट का यू नो सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर आपके जो प्रेजेंट जॉब है उसमें प्रमोशन मिल जाएगा, इसीलिए आप वहां पे लॉन्ग टर्म बेसिक पे सस्टेन करोगे। मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चूज कर रहे हो। सो आप में से जो लोग एक ही पोजीशंस पे काम कर रहे थे और नए अपॉर्चुनिटीज से डर रहे थे या फिर नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस टाइम पे। मैं देख रहा हूँ कोई नए अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो प्लीज नो मत बोलिएगा किसी भी नए अपॉर्चुनिटी को। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। सेकेंड मैसेजेस आ गया है टावर। सो यू नो मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ें होना था, आप लोग अवेकेंड हो, अभी आप लोगों को डर नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि यू नो बहुत टफ चीज़ें देखे हो। सो आप लोग एक डिसीशंस पे पहुँच रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है और ये चीज़ आपके लिए गलत। आई थिंक यू आर रिलीजिंग लॉट ऑफ ओल्ड स्टफ, ओल्ड बुक्स, ओल्ड घर, ओल्ड लोकेलिटीज, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। अभी आपको ना ही कुछ चीज़ पाना है, ना ही चीज़ कुछ खोना है, अभी आपको ईश्वर के दर्शन चाहिए। मैं देख सकता हूँ आप अवेकेंड हो, आप चेंज को एक्सेप्ट किए हो। हो सकता है जिस रिलेशनशिप को आप दिल का सबसे खास मानते थे, सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे, वो चला जा रहा है। सिंप्लीफाई कर रहे हो लाइफ को, बहुत लोगों को जज नहीं कर रहे हो, खुद को जज नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम सब कुछ यू नो माता के हाथ पे छोड़ दिए हो, सरेंडर किए हो, यूनिवर्स को एकदम प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि हाँ यूनिवर्स जो बोल रहे हो उसी को आप सुन रहे हो। खास करके मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को
इन्हों पता चला है कि आप जिस तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर जो भी मेथड अप्लाई कर रहे थे वो गलत हो रहा था. इन्हों फर्स्ट ऑप्शंस को लेके मैं देख रहा हूँ कि रिग्रेट फील कर रहे हो सकता है पहला मैरिज या फिर पहला रिलेशनशिप या फिर पहले बिजनेस. इन्हों किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत शॉक्ड हो कि आप सोचे थे कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बट वो नहीं हुआ. फाइनली आप अपने गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हो और वहाँ से बाहर आ रहे हो एंड डेफिनेटली किसी को सबक सिखा रहे हो, किसी को दरवाजा बंद कर रहे हो. जो चीज़ डिजर्व करते हो उसी को आप दिखा रहे हो. लोग शायद आपको जानते थे कि आप बहुत शाई हो, रिजर्व हो. अब लोग जानेंगे आपको आप ब्रेव हो क्योंकि अभी आप बोलेंगे, क्योंकि किसी को आप सबक सिखा रहे हो. ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ डर के मारे किसी जॉब के अंदर थे, डर के मारे किसी का अत्याचार, इमोशनल अत्याचार हो सकता है या फिर मेंटल टॉर्चर हो सकते हैं, सह रहे थे, बट फाइनली आप बोलेंगे. आई थिंक आप अभी एक स्टेप लेने वाले हो, हो सकते हैं एक टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, या फिर हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थे और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्म किए हो, या फिर सामने वाले पर्सन के सब नेगेटिव टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट किए हो, अब्सॉर्ब किए हो और अभी आप उसको नो बोल के कहीं पे जा रहे हो. सकते हैं वो रिलेशनशिप को जब आप छोड़ रहे हो तब आपको भी बहुत बुरा लग रहा था, बट वो शायद आपको करना ही था. तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, हो सकते हैं पुराने फ़ोन, पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने दोस्त, या फिर ऐसा हो सकता है पुराने रिलेटिव, या फिर हो सकता है कि एक रिसेंटली एक्स से मूव करके हो सकता है आप शादी कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप डिसीशंस ले रहे हो और नहीं, और आप किसी को ऐवी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करने देंगे, तो आप एक सीरियस डिसीशंस ले रहे हो. हो सकता है मैं देख सकता हूँ कि लव मैरिज से आप लोग मूव कर रहे हो और आप अपने फैमिली को बोल रहे हो कि नहीं, आप जो बोलेंगे वही मैं सुनूंगा. कहीं ना कहीं आपको एक मेजर अवेकनिंग महसूस हो रहा है कि आपको सेटल्ड होना है, आपको किसी के साथ सेटल करना है, एंड ऐसे आप अपने लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हो, ऐसे आप किसी को वेलकम नहीं कर सकते हो. सो आप लोग बहुत अवेयर हो रहे हो. साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग डेटिंग वेबसाइट ये सब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सीरियस हो जा रहे हो. हो सकता है कि सीरियसली अभी आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि सीरियसली कोई स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, सीरियसली जॉब को लेंगे एंड सीरियसली अपने पैशंस को लेके काम करेंगे. पहले आप उतना ज्यादा सीरियस नहीं थे किसी चीज को लेके. लेट्स सी, बहुत सीरियस हो रहे हो. लास्ट कौन से चेंजेस? Yes, strength, क्योंकि ये जो versions आपका है ये versions authentic है. ये versions में मैं देख रहा हूँ कि आप finally हासिल कर रहे हो, आप अपने highest self esteem को establish कर रहे हो, highest self के पास जा रहे हो. नो आप एक बहुत अच्छे से decisions ले रहे हो, खुद को control कर रहे हो, addictions को हटा रहे हो, toxic friend, toxic relationships को for the sake of relationship नहीं रह रहे हो, बोल रहे हो, खुद के लिए stand ले रहे हो, खुद के values को समझ रहे हो, and that is called the कार्ड स्ट्रेंथ. एंड यहां पे आ रहा है नेम एंड फेम. यस, स्ट्रेंथ का कार्ड हमेशा सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपके सन स्ट्रॉन्ग हैं तो नेम एंड फेम मिलेंगे. साथ ही साथ कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे थे तो डेफिनेटली वहां से आपका छुटकारा मिल जाएगा. ब्यूटी, यस, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी. तो आई कैन सी कि आपके स्किन ग्लो हो रहे हैं, आई कैन सी कि आप लिटरली सीरियसली ले रहे हो अपने डाइट को, अपने लुक्स को एंड अपनी पर्सनैलिटी को. आप में से जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो उन लोगों का बहुत ज्यादा फेम बढ़ रहा है. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एंगेज्ड होते हुए, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ऑफिशियल रिलेशनशिप पे जाते हुए, एंड मैं देख सकता हूँ कि आप लोग फाइनली समझ रहे हो कि हाँ शायद एक टाइम पे वो सिचुएशन बहुत टफ था, बट अभी आप लोग सही डिसीशन लिए हो. हो सकता है किसी का नो बोल के आपको अच्छा लग रहा है, किसी अपॉर्चुनिटी को आपने कट ऑफ किए हो, बट उस अपॉर्चुनिटी को लेकर शायद आप अपने फैमिली से भी लड़ रहे थे, बट फाइनली वो चीज चला गया, आपको सच समझ भी आ रहा है. एंड हो सकता है कि आप अपने फैमिली को ही यस बोल रहे हो, क्योंकि हो सकता है फैमिली आपको कन्विंस कर रहे थे या फिर कुछ चीज को करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और आप वो चीज मान जाओगे. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में अगर थे और वहां पे अगर आपके इन लॉज या फिर कोई थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था कि आप दोनों को सेपरेशन करा जाए, या फिर कोई तंत्र क्रिया हुआ था आपके ऊपर, तो वहां से छुटकारा मिल रहा है क्योंकि सन है, मतलब क्लैरिटी आ रहा है. किसी का कुछ सीक्रेट आपको पता चला है और उसके हिडन इंटेंशन को भी आपको पता चल रहा है, और फाइनली आप कुछ एक मेजर डिसीजंस लेंगे. खास करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टैंड आउट रिजर्व करेंगे. यहां पे मैं देख सकता हूं कि आप रैंक तक कर सकते हो एंड गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकता है. नेम एंड फेम अच्छा होगा एंड फैमिली को आप एक चीज गिफ्ट कर रहे हो.
हो सकते हैं आप अपनी फैमिली के लिए कोई टूर अरेंज कर रहे हो, या फिर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे आप लोग डिनर कर रहे हो यू नो फैमिली के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी का शादी हो रहे है, मंगनी हो रहे है, एट द सेम टाइम बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, किसी का प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपको मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो येस वो आ रहा है। आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका 2-3 साल तक बात नहीं हुआ, कोई रिटर्न होके आ रहे हैं। एंड अगर आप नए टाइप ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो तो यू नो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर ही फोकस करोगे, आप दूसरे पर्सन के सामने गिरगिराओगे नहीं। जब तक ना कोई पर्सन अप्रोच सही तरीके से लेंगे आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल मैं यूनिवर्स से एक ही चीज मांगूंगा कि कैसा रहेगा ये चेंजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स बता दीजिए कैसा रहेगा ये चेंजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ये व्यूअर्स के लिए चेंजेस लेगा लवर्स, यानी कि आप खुद को ढूंढ पाओगे, आप सच्चा प्यार को ढूंढ पाओगे, आप अपने क्रिएटिव लाइफ को ढूंढ पाओगे, आप अपने लाइफ फोर्स को ढूंढ पाओगे। ये लवर सिर्फ आपके सोल में ट्विन फ्लेम नहीं, ये लवर है अपने परमात्मा के साथ यू नो एक हो जाना, ये लवर है अपने क्रिएटिव सोल पर्पस के साथ एक हो जाना। ये लवर के कार्ड रिप्रेजेंट्स करते हैं आपके क्रिएटिविटी, आपके पैशन, आपके इमोशंस, आपके खुद के सेल्फ रिलीजन, यू नो ये है सोल का रिलीजन। और लवर का कार्ड रिफ्लेक्ट करते हैं कि फाइनली आप खुद को पहचानोगे, फाइनली आप खुद के डिसीजंस खुद लोगे। एंड दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आप अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हो। हो सकता है आप एक एस्टैब्लिश साइकिक बन जाओ, हो सकता है आप एक रिनाउंड हीलर बन जा रहे हो सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एकदम आपके साधना जो है एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है और उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 जॉब ऑफर्स, यहाँ तक कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे भी आप जा सकते हो। यस दीज आर कमिंग ऑन योर वे, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग सिर्फ कमेंट करके लिख दीजिएगा डिवाइन हैप्पीनेस, जय माँ काली, जय माँ मातंगी। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही देखते रहे। माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी विद द ब्लू टिक है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वहाँ पे मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा, आप लोग फॉलो करते रहिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पे एक ज्वाइन बटन भी है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो फॉर मोर कंटेंट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट्स। बाय बाय।